It is my humble request. I am not here to politicize this conference, but you people are asking to raise some slogan. I want to just clarify something. अभी यहाँ भी वो दिखाया गया होगा एक क्लिप आपको, तो उस क्लिप में बात ठीक से आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। अक्सर क्या होता है कि जब कोई ये चाह ले कि आपकी सही आवाज लोगों तक ना पहुंचे, तो आप जब तक सोचेंगे सही आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए, उससे पहले ही गलत बात लोगों तक पहुंचा दी जाती है। एक बात मैं आप तमाम लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहता हूं, हम जो आजादी का स्लोगन लगाते हैं वो देश से आजादी की बात नहीं करते हैं। हम देश के भीतर जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो अत्याचार है, जो शोषण है, हम उससे आजादी की बात करते हैं। हम देश से नहीं, देश में आजादी की बात करते हैं। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और हमारी जो आजादी की मांग है वो सिर्फ हम नहीं लगा रहे हैं, इसका एक इतिहास मैं आपको बता देता हूं। 1942 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, जिसमें देश भर के कलाकार अपनी कला के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। और वो जो गाना था, वो गाना आजादी के बाद भी लोग लगाते रहे अपने अपनी मांगों को लेकर। जैसे मान लीजिए आप बैंक कर्मी हैं, तो आप इस बात की मांग कर सकते हैं 12 घंटे की काम से आजादी। संविधान कहता है कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए। 8 घंटे से अगर आप ज्यादा काम करते हैं, तो अगर आप 1 मिनट काम करते हैं तो आपको 2 मिनट का पेमेंट मिलना चाहिए। अगर आप 2 मिनट काम करते हैं तो आपको 4 मिनट का पेमेंट मिलना चाहिए। यह हमारा मिनिमम वेज का एक्ट कहता है, जो पार्लियामेंट में पास हुआ है। तो आपको अपनी समस्याओं से आजादी चाहिए। किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, उनकी जो मेहनत की लूट है, उनको उस बात से आजादी चाहिए। जो महिलाएं हैं, वोट का अधिकार बराबर है, पुरुष का वोट भी 1, महिला का वोट भी 1। लेकिन आप जानते हैं कि आज भी हमारे घरों में महिलाओं को वो बराबरी का अधिकार नहीं मिला है। तो उनको उस पुरुषवादी मानसिकता से आजादी चाहिए, उस बलात्कारी मानसिकता से आजादी चाहिए। जो जातिवाद का दंश है वो हमारे समाज को डस रहा है, लोगों को उससे आजादी चाहिए। लेकिन यह जो तराना है, यह जो गाना है, जिसका इतिहास इस देश के आजादी के आंदोलन के इतिहास से जुड़ा हुआ है, आज उसको लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपके पास भी कोई अगर नकली वीडियो पहुंचा होगा व्हाट्सएप के माध्यम से, तो यह कहा गया होगा कि हम लोग कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं चाहता था कि आपके कॉन्फ्रेंस को मैं बिल्कुल भी पॉलिटिसाइज ना करूं, लेकिन आप लोगों की भावना का सम्मान करते हुए आपकी इजाजत से मैं स्लोगन गाऊंगा, और आप अपने कान से सुन लीजिए और तय कर लीजिए कि आप इस गाने के साथ खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, है हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, हर गरीबी से आजादी, तो भुखमारी से आजादी, हर जातिवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी, आतंकवाद से आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, है हक हमारी आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, तो आजादी, मजदूर भी बोला आजादी, किसान भी बोला आजादी, तो मैं भी बोलूं आजादी, तो तुम भी
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, एआईबीए जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आवाज दो, आवेग है, अरे लड़े बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।